तो चलिए शॉप में जाके हम भाव पूछते हैं मैम को। हेलो हाय मिहा, सो व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस वन? दिस वन भाव प्राइस 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 हाउ मच? हाँ यस, कैलसी निकालो कैलसी निकालो। यस आपका 9.2 मतलब 92 रुपीज बता रहे मैम ए का। ओके ओके ला, हाउ मच फॉर दिस वन? दिस वन नाइन। ओके 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 ग्रेट ग्रेट। डू यू हैव फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग? यू मैन्युफैक्चर? इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? नो इंग्लिश? ओके नो इंग्लिश। तो ये जो स्काफ की दुकान है यहाँ पे जब मिल रहा है सब आप देख सकते हो, जो भी प्रोडक्ट है अलग अलग प्रोडक्ट है, 9 मतलब 90 रुपए में मिल रहे हैं सब, अराउंड 90 रुपए। वाव वाव वाव। यहाँ पे हाउ मच फॉर दिस वन? दिस वन या दिस वन या 550 रुपीज में मिल रहा है। तो ये जो चीजें है आप यहाँ पे जो है परचेज करना चाहो तो ऐसे ही बात होता है, ये लोगों को इंग्लिश आता नहीं है इतना। तो ये जो उसका प्रोडक्ट है आप देख सकते हो, यहाँ पे और भी कुछ प्रोडक्ट है, ये जो है ये प्रोडक्ट है। हाउ मच फॉर दिस? 11। ओके ग्रेट ग्रेट, थैंक यू शीशा। चलो दूसरे लोगों को हम पूछते हैं कैसे होता है। हेलो, तो यहाँ पे भी हम मैम को जाके पूछते हैं। हेलो हाय, सो हाउ मच फॉर दिस वन? दिस वन 19। उससे बड़ा है ये 19 में दे रहे मैम, जो पहले देखा था वो छोटा था, ये थोड़ा मतलब बड़ा है सॉइल जो भी है ये, तो ये 19 है। वो 14 में था मतलब 140 में था, एक 190 में है। तो और भी प्रोडक्ट है यहाँ पे, हम देखते हैं उसको भाव पूछेंगे। सो ओके हाउ मच फॉर दिस वन? दिस वन 13। ओके ओके, ये सब मैम तो होशियार है इंग्लिश। डू यू नो इंग्लिश? लिटल इंग्लिश, यहाँ पे सबको लिटल लिटल आता। हाउ मच फॉर दिस वन? 16। ओके ये देखिए, यहाँ पे भी चाइना में भी मांगने वाले लोग आते हैं, ऐसा नहीं है इंडिया में ही है। ये देखो बजा के कुछ पैसा मांग रहे हैं। या यू वांट? आई विल गिव यू या 10 रुपीज। हाँ वो वन उसका 1 रुपया होता है। या कीप। ओके शीशा, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, सो यहाँ पे भी हम भाव पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी लोग होते, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया इज बेस्ट। मैंने जो देखा है उसमें बता सकता हूँ, इंडिया इज गुड। वहां का जो लिविंग सब स्टैंडर्ड वगैरह अच्छा, ये लोग बहुत काम करते हैं ऐसा। रियाना स्क्राफ्ट, रियाना स्क्राफ्ट यू कैन से स्काफ। ओके सो यहाँ पे मैम हेलो, या हाउ मच फॉर दिस वन? दिस वन कैलसी लिया है मैम ने या लिख के रखे? दिस वन, दिस वन या दिस वन, दिस वन या दिस वन। How many pieces? 1,000. 1,000. 8.5. And for 5,000? 5,000 pieces. 5,000. Yeah, pieces, yeah. 8.3. Cheaper. Okay, yeah. Okay, okay, okay. Good, good. You have, you do know English? A little. Little English, okay, okay. You have factory? Yeah. You have manufacturing? Yes, ma'am, yeah. I can one, go. Two, three, four. But this is expensive. Different price. Different price. How much? Different. How much? 12. Okay, okay. This one cheaper. It's very good. Very good and cheaper. Yeah, yeah. Okay. You have factory? Manufacturing? Yeah. I can go there? Factory? Yeah, I can go there? Last year, no. Last? Sorry? Mm. The next year. Next year? Yeah. I can go there? You can. I can visit. I can see factory. Factory? Yeah, I want to see factory. Factory. This have photo, have manpower. No problem. No problem? Yeah. Okay, okay, okay. मतलब मैडम के पास फैक्ट्री लगता नहीं है। How much for this? ये जो है 8.5, तो 80-90 के 12 मतलब 120 के जो इसके ये जो प्रोडक्ट है ये मिल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज है, ये उसको कुछ खाना भी खा रहे, कोई बात नहीं। चलो शीशा शीशा, थैंक यू। उसका हम विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं यहाँ से।
सो इस हिसाब से यहाँ पे इंग्लिश लोगों को आता नहीं है, बट वी कैन वर्क आउट अकॉर्डिंग टू, हम वर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, आप देख सकते हो। तो हम ये नीचे के फ्लोर पे अभी जा रहे हैं। सो ये होता है प्रैक्टिकली कैसे होता है, देखो यहाँ पे कैसे काम होता है, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। और ये तो वीडियो में पूरा जो चीज है कि डिस्काउंटिंग कैसे करना, निगोशिएशन वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीरियस बायर होता तो वो अलग डील होती है पूरी। अगर सीरियस बायर जो होता है तो उसके लिए अलग डील होती है पूरी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। फ्लोर आ गया जहाँ पे अलग अलग ऊन बोलते हैं, ऊन वगैरह जब मिल रहा है तो इस हिसाब से है। एंड तो थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी क्वेरी है आप यहाँ पे कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली कैसे होता है, इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो आप जो है हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।